इब्राहिम अली के साथ नजर आएंगी खुशी कपूर। शुरू हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की शूटिंग। फिल्म द आर्टिस्ट से डेब्यू करने के बाद अब खुशी कपूर करण जौहर के प्रोडक्शन में बनने वाली अपकमिंग फिल्म में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान भी नजर आएंगे। करण जौहर के प्रोडक्शन की इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, जिसे नेटफ्लिक्स के लिए बनाया जा रहा है। 21 जनवरी से करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही अनटाइटल फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म के अनाउंसमेंट करते हुए करण जौहर ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शूटिंग की एक झलक दिखाई है। करण ने इंस्टाग्राम पर शोना गौतम की क्लिप बोर्ड पकड़े हुए एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर को शेयर करते हुए करण जौहर ने शोना गौतम को डायरेक्टोरियल डेब्यू की विशेष दी हैं। उन्होंने लिखा, शोना गौतम तुम्हें मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। तुम्हारे डायरेक्टोरियल डेब्यू का डे वन एक बड़ा दिन और जिंदगी भर की याद। तस्वीर में दिख रहे क्लैप बोर्ड में करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मेटिक प्रोडक्शन का लोगो बना हुआ है, जिससे साफ है कि फिल्म को खुद करण जौहर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लिप बोर्ड में लिखा हुआ है, लेट्स गो डे वन। हो सकता है फिल्म का टाइटल लेट्स गो रखा गया हो। सामने आई क्लिप बोर्ड की तस्वीर में नेटफ्लिक्स का भी को बना हुआ है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स के लिए बनाया जा रहा है। वैसे हाल ही में ही खबर आई थी कि बोनी कपूर और श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर और सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान लीड रोल में हैं। आपको बताते चले, खुशी कपूर ने लास्ट ईयर नेटफ्लिक्स की फिल्म द आर्टिस्ट से एक्टिंग करियर की शुरुआत की और जिसके बाद ये उनकी दूसरी फिल्म होने वाली है। वहीं इब्राहिम अली खान पहले ही करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म सरजमी का हिस्सा है, जिससे वो एक्टिंग डेब्यू करेंगे। इब्राहिम की इस फिल्म में काजोल भी नजर आने वाली है।